हेलो गाइस, आज हम आप सबके साथ टेस्टी महुए की पूड़ी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए, तो दोस्तों कैसे हो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, हमने महुआ को हमने 1 घंटे पहले भिंगो लिया था और ये अच्छे से भिंगो लिया है हमने। और यहाँ पे हम इसे मिक्सी में इसे महीन पीस लेते हैं। और पीसने के बाद से यहाँ देखिए एकदम मही पीस चुका है ये। और यहाँ पे हम आटा लगाने वाले हैं। अब तो आटा लगाने के लिए इसमें हमें ये ट्रांसफ़र कर लेना है। और यहाँ थोड़ी लाइट कम है तो थोड़ी वीडियो आप सबको अंधेरे में दिखेगी, बट सही है, वीडियो एकदम बारीकी से बनाया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। और आटा आपको उतना ही लगाना है जितना हमारा महुआ, जितना हमारी जो महुआ हमने लगाया था, यानी कि हमने जो महुआ जितना भिगोया उसके हिसाब से हमें आटा लगाना है। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें गुड़ या आप चीनी ऐड कर सकती हैं। तो आटा बिल्कुल लग चुका है और आटा हमें ऐसे लगाना है जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं। तो आटा लगाने के बाद से हमने लोई भी बना लिया। तो चलिए यहाँ पे गैस ऑन कर देते हैं। गैस ऑन करने के बाद पे इस पर हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में हम रिफाइन ऑयल ऐड कर देते हैं। और आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसे ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं ताकि हमें इसके काम आने वाला है। और यहाँ पे देखिए हमने मशीन लिया है पूड़ी बनाने वाला, और आप चाहो तो बेलन से भी बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं लोई में ताकि ये चिपके नहीं। तो चलिए ये हो गया, ऐसे हम अभी दबा लेते हैं। और हमें बराबर से दबाना है ताकि एक साइड मोटा या पतला ना हो जाए। और महुआ जो है बहुत ही इजीली मिल जाता है मार्केट में भी और गांव में भी, और इसे सुखा के बनाना रहता है। तो चलिए सारी पूड़ियाँ हम बना लेते हैं एक एक करके। और ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। और साइड में हल्ला जो आ रहा है आप उसको स्किप करिएगा। चलिए हमने एक डाल के देख लिया लोई, थोड़ा सा आटा ताकि ये हुआ है तेल गरम है या नहीं। तो तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें पूड़ियाँ तलेंगे। तो पूड़ियाँ हमें मीडियम आंच पे तलनी है, नहीं तो ये काफ़ी जल जाएगा ज़्यादा तेज़ आंच रहेगी तो। और एक बैच में जितनी पूड़ियाँ आए उतनी ही ऐड करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए काफ़ी प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है गाइस, और ये फूल भी रहा है पूड़ियाँ। चलिए ऐसे करके हम सारे बैच को तल लेते हैं। और ये देखने में ही खाने को मन कर रहा है। अभी आप सब बताना कमेंट में कि किसे किसे ये पसंद है। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है आप सबको पता है, तो ये ठंडी में ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे खाना, और बहुत फ़ायदेमंद भी है शरीर के लिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो महुए की पूड़ी है और सब्ज़ी है, आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी है खाने के लिए। तो अब फटाफट आप लोग भी घर में बना के खाइए, और मेहमान जो हैं वो आए तो भी आप बना के खिला सकती हैं उन्हें अपने हर चीज़ की।